दिशा ऑनलाइन फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अमित डुल की आज जोड़कर प्यार भरी राम राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जामों की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, एक ही वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ आपका HSC से रिलेटेड, हार्ट्रॉन से, NTPC से, जो भी सारी अपडेट है मैं एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करूंगा। तो जो भी बच्चा इन अपडेट को जानना चाहता है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप सभी को पता है मैं इस चैनल पर जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी के ऊपर एक या दो वीडियो हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ, लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिन पहले से नहीं लेकर आया क्योंकि आप सभी को पता है मैंने वीडियो डाली थी कि मेरी ज्वाइनिंग आई है, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी था इस करके मैं वीडियो नहीं लेकर आया, लेकिन अब जैसे ही टाइम मिला आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों इस चैनल पर जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी के ऊपर वीडियो आती रहती है, अगर आप चाहते हो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों चलते हैं अपनी पहली जानकारी की तरफ। तो दोस्तों जितनी मैं जानकारी बताऊंगा, अगर आपके इनके बारे में कोई भी लिंक या नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ फॉलो करके ये सारे नोटिफिकेशन जो भी हैं इनका प्रूफ वहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो बिल्कुल अभी अभी जो अपडेट आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। कमांडो विंग के जो PST चल रहे थे, PST PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट जो चल रहा था, वो शेड्यूल था 13/8 से शुरू था, लेकिन अब वो चेंज कर दिया गया है। आज ही नोटिस आया 14/8 को, आपको साइड पर दिखाई दे रहा होगा, 14/8 को ये नोटिस आया और इसमें शेड्यूल जो चेंज हो चुका है वो 16/8 से 12/9 तक का हो चुका है। दोबारा आप लोगों ने सभी ने एक बार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने हैं और उसको देख लेना है, ठीक है। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बार देख लेना, सभी के सभी जिनका 13 का हो भी चुका है वो भी एक बार इसको चेक कर लें, ठीक है। कभी आपका दोबारा एडमिट कार्ड ना आया हो, दोबारा आपको PMT ना देना पड़े, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होगा। जिनके 13 तारीख को हो चुके हैं दोस्तों कल, उनको नहीं देना पड़ेगा। 14 का ये नोटिस आया है, अगर आज भी किसी का हुआ तो शायद उनको भी ना देना पड़े, वो एक बार चेक कर लेना जरूर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड, जो NTPC के एग्ज़ाम हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, मैंने पहले ही बताया था NTPC के एग्ज़ाम लास्ट स्टेज थी 7th स्टेज और वहाँ पर ख़त्म होते ही अब आपके ग्रुप डी के भी आने वाले हैं। तो NTPC के जो एग्ज़ाम ख़त्म हुए उनकी जो आंसर की है आपको वो 16/8 को आपको साइट पर मिल जाएगी, ठीक है। कब मिलेगी दोस्तों, 16/8 को ये नोटिफिकेशन साइड में दिखाई दे रहा है, इसमें डेट दी गई है 16/8 को मिलेगी और ये कुछ दिन ही रहेगी, 23 तारीख तक ही दोस्तों आपके सामने रहेगी, उसी के बीच में आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है। और इन्होंने अकाउंट की कंफर्मेशन मांगी है आप लोगों से, अगर आपकी फ़ीस रिफंड करनी है तो अभी आप जिसको करेक्शन वगैरह करनी है, अकाउंट की डिटेल देनी है, वो भी फार्म लिंक इनका ओपन हो चुका है, वहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं फीमेल कांस्टेबल हरियाणा पुलिस, ठीक है। HSC के बारे में दूसरी जानकारी क्या निकल कर आ रही है दोस्तों, कि फीमेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो दो बार रीशेड्यूल हो चुका है, ठीक है। पहले वो 4 और 5 सितंबर को था, फिर वो मैंने एक वीडियो भी डाली थी आप लोगों को, देख साइड में दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्या हुआ कि 28 और 29 अगस्त को कर दिया गया था, लेकिन अब फिर उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है और वो एग्ज़ाम अब आपका 18 सितंबर की शाम की शिफ्ट और 19 सितंबर की सुबह और शाम की शिफ्ट में लिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। यानी कि फीमेल कांस्टेबल एक बार फिर चेक कर लें, आपके एग्जाम डेट चेंज हो चुकी है और वो एग्ज़ाम अब आपका 18-19 सितंबर को होने जा रहा है। SI का जो एग्ज़ाम है मेल और फीमेल का, वो सेम 28 तारीख को ही होने वाला है दोस्तों, उसकी कोई डेट चेंज नहीं है, ठीक है। 28-29 जो भी डेट थी उसको ही होने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब बात रही हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल, जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका दोस्तों, उसके बारे में बहुत सारे बच्चों को डाउट है कब होगा, इसी साल में होगा और जहाँ तक मेरा मानना अक्टूबर में ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों पक्की खबर अभी नहीं कह सकता, मैं सिर्फ अपने ही उससे बता रहा हूँ कि अक्टूबर में आपका ये भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और फीमेल और मेल कांस्टेबल के जो फिजिकल हैं वो एक साथ लिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर सितंबर में इसका एग्ज़ाम है, तो जब पहले भी इनके एग्ज़ाम में 15 से 20 दिन का गैप था, तो अब भी 15 से 20 दिन का एग्ज़ाम गैप देकर तो कब ले लिया जा सकता है दोस्तों, यह आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ले लिया जा सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हार्ट्रॉन वाले बच्चों की, तो दोस्तों उनके भी एग्ज़ाम डेट आने वाली है सितंबर के महीने में, और अब ये मत सोचना कि एग्ज़ाम डेट आगे चली जाएगी, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि HSC के एग्ज़ाम अगर हार्ट्रॉन ले रहा है तो आपके DO के एग्ज़ाम भी अब हार्ट्रॉन लगातार ऐसे ही सिलसिले चलते रहेंगे और वो एग्ज़ाम आपके ज़रूर लेगा। पंचकूला में बहुत सारी डिमांड है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, तो पंचकूला वाले अपनी तैयारी को थोड़े से ज़ोरों शोरों से करें और अपने आपको लिस्ट में लेकर आएँ, जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जिन बच्चों के पास मेल आई थी कि अदर डिस्ट्रिक्ट में क्लियर है, पंचकुला में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, टेलीग्राम अपडेट पर जुड़े रहें, वहाँ पर मैं आपको एक से एक अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। कल भी 3 बच्चों की ज्वाइनिंग आई थी, उन वो सोमवार को जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हार्ट्रॉन वालों को जो टेस्ट है दोस्तों वो बहुत जल्द शुरू कर रहा हूँ, एक बार मुझे को रूम पर सेटल करने दो सारा सेटअप, अब मैं सामान लेके जाऊँगा। तो दोस्तों सोमवार या मंगलवार से सेटअप तैयार है, उसके बाद आपके टेस्ट लगातार चलेंगे। बने रहें दिशा ऑनलाइन फार्म के चैनल के साथ, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।